अब बात करते हैं नेक्स्ट। ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड द ईस्ट। एक बॉडी जो है ईस्ट में जा रही है, जाने तो हमें क्या दिक्कत है, ठीक है, बट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, क्या निकालना है, देखो, ईस्ट विद 10 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 10 मीटर इट वेलोसिटी बिकेम 40 टुवर्ड द नॉर्थ। अब देखो वेलोसिटी बदल गई है, कैसे, 10 सेकेंड बाद 40 मीटर नॉर्थ हो गई। ईस्ट में इधर ले लिया था, नॉर्थ ऊपर ले लूँ, ठीक है, नॉर्थ 40 मीटर पर सेकेंड, और इसको जो वेलोसिटी चेंज होने में टाइम लगा वो 10 सेकेंड, ये V1 था और इसको मैं V2 मान लेता हूँ। पहले गाड़ी ऐसे जा रही थी, फिर बाद में ऐसे हो गई। अब वेलोसिटी ऐसे चेंज होता नहीं है, वेलोसिटी ऐसे चेंज नहीं हो सकता, देयर मस्ट बी एक्सलेशन, देयर मस्ट बी फोर्स, ठीक है। बिना अगर वेलोसिटी बदली है फिजिक्स में, चाहे वो मैं डायरेक्शन में क्यों ना बदले, तो एक्सलेशन होगा और वहां पर फोर्स होगा। वेलोसिटी ऐसे कोई बदल नहीं सकता ना यार, ठीक है। चलो, तो एवरेज एक्सलेशन ऑफ द बॉडी, एवरेज एक्सलेशन। अब आप एवरेज एक्सलेशन निकालना, तो एवरेज एक्सलेशन का क्या डिफिनेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी और उसको चेंज होने में कितना टाइम लगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालें, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टाइम टी। अब ये एक्चुअली वेक्टर है, तो इसका चेंज निकालने के लिए, चेंज निकालने के लिए आपको पता है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, ठीक है। इसको आगे बढ़ा दो, 30 वाले को आगे बढ़ा दो, ठीक है, 30 वाले को आगे बढ़ा दो, तो चेंज कैसे निकालोगे, V1 माइनस V2 का मॉड, ऐसे ही तो चेंज निकलेगा, डेल्टा भी, ठीक है। तो ये आ जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 V1 V2 cos 90, दैट इज डेल्टा भी, ठीक है। तो ये अंडर रूट, क्लियर है। अब यार 40 का 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना होगा, 40 का स्क्वायर, ठीक है, 400 प्लस 30 का स्क्वायर, ये अंडर रूट, दैट इज डेल्टा भी 2500, ठीक है, 1600 900, ठीक है, डेल्टा भी इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा भी अगर 50 आ जाएगा और इसको चेंज होने में 10 सेकंड लग गया, तो एवरेज एक्सलेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कहाँ दिख रहा है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, क्लियर है।